الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد لا نبي بعدي ستاروں سے کہہ دو کہ اب وہ کوچ کریں सितारों से कह दो कि अब वो कूच करें खुर्शीद मुनव्वर आते हैं कौमों के पैगंबर आ ही चुके अब सब के पैगंबर आते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खातमुल अंबिया की जात है वहमो गुमा से बुलंद खुदा का हुस्न इंतखाब इंतखाब लाजवाब न जब था न अब है न होगा मुयस्सर न जब था न अब है न होगा मुयस्सर शरीके खुदा और जवाबे मोहम्मद नमाज वाला दुरूद शरीफ सारे हज़रात उलमाए किराम मशाइख एज़ाम बुजुर्गों साथियों बापरदा बाहया मोहतरमा मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा माँ बहनों अज़ीज़ बेटियों मेरी और आप हज़रात की हाजिरी उस मर्द कलंदर के इस गुलशन के अंदर है जो आलम इस्लाम का अजीम मजहबी सकालर था मुनाजर इस्लाम था सारी ज़िंदगी जिसने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और पहरा देते हुए उसके कदमों में चले गए जिसकी नबूवत की हिफाजत के लिए सारी ज़िंदगी आपने लोगों के दिलों को ख़त्म नबूवत के अकीदे से लूं लूं के अंदर उनके अकीदे को दाखिल फरमाया मेरी मुराद मुनाज़िरे इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमहुल्लाह अल्लाह उनकी कब्र को रोशन आमीन और उनके जानशीन जो ख़ादम इस्लाम भी हैं उलमा के कदरदान भी हैं साहिब अखलाक भी हैं जनाब मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम आलिया और उनके रुफ़क़ा और आज इस महफ़िल के अंदर कायद इब्ने कायद कायद बरतानिया जनाब हज़रत मौलाना पारी तसव्वुर अल-हक़ साहब अल-मदनी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन फाजिल नौजवान हैं मेरे अल्लाह ने उनको काफ़ी इस्तेदाद अदा की हुई है अल्लाह ताला ने उनके अंदर बहुत सी सिफात रखी हैं मेरी मुराद हाफिज मोहम्मद अदीब एडवोकेट साहब दामत बरकत और हम सब की खुशकिस्मती है कि आज हमारे इस जलसे की सदारत वो शख्सियत कर रही है जिसको सारी दुनिया जानती है मेरी मुराद हजरत मौलाना इमाम कासिम साहब दामत बरकातुहुम आलिया मेरा बयान इंशाअल्लाह अल-अज़ीज़ 25 मिनट तक जारी रहेगा
और बयान होगा मसला खत्म नबूवत पर। खत्म नबूवत दीन और इस्लाम का असासी और बुनियादी मसला है। इमाम साहब मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, दीन और इस्लाम का असासी और बुनियादी मसला है और मिल्लत का मरकजी नुक्ता है। क़यामत की सुबह तक अब उम्मत को किसी चश्मे फैज और मस्तर खैर की ज़रूरत नहीं है। रहती दुनिया तक मेरे आका का मंबा रहमत काफ़ी भी है, शाफी भी है। बेशक की आवाज नहीं आ रही। साकी कौसर का हौज़ कौसर मैदान माशर के अंदर ना खुश्क होगा ना खत्म होगा। जाम भर भर कर खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर के हाथों अपने गुलामों को पिलाए। सुभान अल्लाह। अगरचे मैं कदा से उठ के चल दिया वो साथी, वो मैं, वो खम, वो सुराही, वो जाम अभी बाकी है। अकीदा खत्म नबूवत, कुरान मजीद की 100 आयात, 200 अहदीस मुबारक इस बात पे दलालत कर रही हैं कि ज़ात नबूवत पर अल्लाह ताला ने हर किस्म की नबूवत और रिसालत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैं कारी इमरानुल हक साहब नक्शबंदी की मौजूदगी में एक जुमला कहने लगा हूँ, कुरान मजीद की हिफाजत का ताज अल्लाह ने फारूक आजम के सर पे सजाया है। खत्म नबूवत की हिफाजत का ताज अल्लाह ने सिद्दीक अकबर के सर पे सजाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत शहादत की तरह, अगर किसी आदमी की शहादत को काट दिया जाए तो जान चली जाए। अगर अकीदा खत्म नबूवत नहीं है, बाल बराबर भी उसके अंदर अगर कमजोरी आ गई तो समझ लो जिस तरह शार रग काट दी जाए बंदा जान से चला जाता है। इसी तरह अगर अकीदा खत्म नबूवत ना हुआ तो ईमान अंदर से खारिज हो जाएगा। सारे पैगंबर खुशरू भी हैं, खुशबू भी हैं। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम खुशरू भी हैं, खुशबू भी हैं, लेकिन आमना के लाल को अल्लाह ने पैकरे हुस्न व जमाल बनाया। मौलाना कासिम नानोतवी यहां फरमाते हैं, साहब जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं। आप बोलेंगे तो शायद मैं तरन्नम लगा दूं। जहां के सारे कमालात एक तुझ में हैं और तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। तू बूए गुल है अगर मिसले गुल है और नबी, तू बूए गुल है अगर मिसले गुल है और नबी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों में कहना क्या चाहता हूं, खुशबू भी होते हैं, खुशबू भी होते हैं, दूर से पता चलता है। मेरी तरफ देखो, दूर से पता चल जाता है कि ये असली है या नकली है, क्योंकि जो असली नबी होता है उसके देखने से आंखों में नूर आता है, दिल में सुरूर आता है। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आंखों को नूर मिलता है, दिल को सुरूर मिलता है, पता चलता है कि ये अल्लाह का नबी है। और जिस धरती पे आता है अल्लाह उस सारी धरती से अफजल साहब हसीन और जमील बनाकर अल्लाह उसको भेजते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा तय्यबा बयान फरमाती हैं,
मैंने अपना शौहर देखा, मैंने अपना जौहर देखा, मैंने अपना गौहर देखा, अम्मा जान आपने क्या देखा? फरमाया मेरा शौहर मेरा जौहर जिस वक्त काली पगड़ी पहनकर ऊंटनी पर सवार होकर पहाड़ों के अंदर से गुजरते ऐसे नजर आता जिस तरह 14वीं रात का चांद बादलों से निकल रहा है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, आयदारे खत्मे नबुवत जिंदाबाद, आयदारे खत्मे नबुवत जिंदाबाद। आप सल्तनत हुस्न के बादशाह थे, आपका चेहरा तौहीद की रोशन दलील है, आपका चेहरा सदाकत की रोशन दलील है, आपका चेहरा जो है फरमाया वो नबुवत की दलील है, बल्कि अल्लाह ने हुजूर को ऐसा बना दिया कि आपका चेहरा पढ़ते चले जाओ और इस्लाम की तहरीरें समझते चले जाओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला नु बयान फरमाते हैं 14वीं रात का चांद चढ़ा हुआ है, इधर आमना कलाल आराम फरमा रहा है, कभी मैं चांद की तरफ देखता हूँ, कभी मैं आमना कलाल की तरफ देखता हूँ, वो ज्यादा हसीन है या ये ज्यादा हसीन है, उसका चमकार ज्यादा है या इसका लश्कार ज्यादा है। जाबिर फरमाते हैं 14 मरतबा मैंने उधर देखा, 14 मरतबा मैंने इधर देखा, आखिर मेरी आंख फैसल बन गई। मैं कारी तैयब साहब का जुमला दोहराने लगा और सुभान अल्लाह की आवाज आए जरा, मैंने 14 मरतबा इधर देखा, 14 मरतबा इधर देखा, आखिर फैसला कर लिया, ओ आसमानों के चांद, ओ आसमानों के चांद, तेरे अंदर वो रोशनी कहां जो अल्लाह ने हुजूर की पिशानी में रखी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसलिए तो मैं कहता हूँ चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, उसके मुंह पे छाया है मेरे मदनी का चेहरा साफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कोई अपनी किताब में लिखे कि मैं पहली रात का चांद हूँ और हुजूर हुजूर पहली रात के चांद हैं और मैं 14वीं रात का चांद हूँ, तवज्जो रखना, अगर कोई ये लिखे कि मैं 14वीं रात का चांद हूँ और हुजूर पहली रात के चांद हैं, मैंने कहा जनाब है तो आप चांद लेकिन ग्रहण लगा हुआ है, समझ नहीं आया, ग्रहण लग जाता है ना। तो इसलिए मेरे कहने का मकसद ये है कि सूरज जो है ये 9 करोड़ मील दूर है, सूरज 9 करोड़ मील दूर है, रोशनी हर जगह पे पहुंच रही है, आमना कलाल मदीना तैयबा में है, नबूवत हर जगह पे पहुंची। सुभान अल्लाह, दुआए बदर और खत्मे नबूवत 313 लेकर मेरे आका बदर के अंदर पहुंच गए, 1000 का लश्कर लेकर अबू जहल आ गया, बड़े साजो सामान के साथ आया, मैं मुसलमानों का कलाकमा कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा, 3 दिन मैं जश्न मनाऊंगा बदर के अंदर। आसमानों से आवाज आ रही है जरा होश से मक्के में चलना, मक्के से जरा होश में चलना, क्योंकि आज का तू गया हुआ क्यामत तक वापस नहीं आएगा। नहीं समझ आई? ओ अबू जहल जरा होश से चल, आज का चला हुआ तो क़यामत तक वापस मक्का नहीं आएगा, मैं 2 छोटे-छोटे बच्चों से मरवाऊंगा, फिर तुम्हें कुएं में गिरवाऊंगा, ऊपर से पत्थर बरसाऊंगा, फिर तेरी कब्र का नामो निशान मिटवाऊंगा, फिर तेरे गले के अंदर क़यामत तक लानत का तौक डाल दूंगा, जरा होश से चलना। 313 मेरे आका लेकर आए हैं और एक दुआ फरमाई है, इसमें खत्मे नबूवत आ रही है, दुआ फरमाई है, या अल्लाह मैं 313 लेकर तेरे दरबार में हाजिर हूँ, या अल्लाह ये मेरी कमाई है, ये मेरा असासा है, ये मेरी या अल्लाह पूंजी है, ये या अल्लाह मेरे शागिर्द है, मैं तेरे दरवाजे पर लाया हूँ, मेरे अल्लाह अगर इनको फतह अता कर दे तेरे नाम के झंडे बुलंद हो जाएंगे, इनको फतह अता कर दे इस्लाम का बोल बाला हो जाएगा, कुफर का मुंह काला हो जाएगा, या अल्लाह कुफर को अपने सामान पे नाज है, तेरे मदनी को रहमान पे नाज है। सुभान अल्लाह,
रो रो कर दुआएं कर रहे हैं। अब मैं कहने लगा वो जुमला जिसके लिए ये कॉन्फ्रेंस है, अगर कोई नया नबी आना होता, नया रसूल आना होता, नई किताब आनी होती, ये दुआ का अंदाज ना होता, ये फिक्र ना होता, ये लहजा ना होता, ये जुबान ना होती। इसलिए तो मेरे आका ने फरमा दिया था मैं और क्यामत बिल्कुल करीब करीब, मैं जरा पहले आ गया हूँ, क्यामत मेरे पीछे आ रही है। मतलब ये था मेरे उम्मतियों, अब क्यामत आ सकती है, नया नबी नहीं, जब अल्लाह ने जुबान दी है बोले नहीं, क्यामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। नंबर दो में अगला जुमला कहने लगा हूँ, फरमाया के ऊंट जो है वो सुई के सुराख से गुजर सकता है, नया नबी नहीं आ सकता। आसमान गिर सकता है, जमीन फट जाए और समंदर उबले, सारी दुनिया गर्क हो सकती है, लेकिन नया नबी नहीं आ सकता। इसलिए तो मैं कहता हूँ सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान वो तकरीर है। सुभान अल्लाह। उसने मुस्तफा को देखकर सोचती है ये दुनिया वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इसलिए अकीदा बनाओ के हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपके बाद हर किस्म का नबूवत का अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया है। मैं फिर मौलाना हाफिज अदील साहब की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, एक दरवाजा बंद नहीं हुआ, मेरी तरफ देख, एक दरवाजा बंद नहीं हुआ, कई दरवाजे अल्लाह ने बंद कर दिए हैं। नबूवत का दरवाजा भी बंद हो चुका है, सहाबियत का दरवाजा भी बंद हो चुका है, और फरमाया के कुतब पे कुरान खत्म हो चुकी है, मिल्लत पे इस्लाम, मिल्लत इस्लाम पे खत्म हो चुकी है, मरकजियत काबे पे खत्म हो चुकी है, रबूबियत खुदा पे खत्म हो चुकी है, नबूवत मुस्तफा पे खत्म हो चुकी है। सुभान अल्लाह, आवाज नहीं आई। सुभान अल्लाह। पढ़ो यासीन, यासीन वल कुरान अल हकीम, आगे इन्नका लमिनल मुरसलीन। 1,24,000 पे नंबर है। अल्लाह ने किसी नबी की नबूवत और रिसालत की कसम नहीं उठाई, ये मकाम मिला है तो सिर्फ आमना के लाल को मिला। सुभान अल्लाह, थोड़ा ऊंची कह दो सुभान अल्लाह, ये मकाम मिला है तो सिर्फ आमना के लाल को मिला है। अल्लाह 1,24,000 अंबिया की मजलस में कसम उठाकर, हुजूर की नबूवत और रिसालत की कसम उठाकर कह रहे हैं इन्नका लमिनल मुरसलीन, ये मकाम मिला है तो सिर्फ आमना के लाल को मिला है। किसको मिला है? आमना के लाल। इसलिए तो मैं कहता हूँ शाह साहब, इसलिए तो मैं कहता हूँ अल्लाह ने ये मकाम आका को अता किया है। कौन मेरा महबूब? जो महबूब खुदा है, रहमत का दरिया है, मद्दा खुदा है, चांद दो टुकड़े करना जिसकी अदा है। सुभान, ये मकाम आमना के लाल को मिला, मुफ्ती फैजुर रहमान साहब, ये मकाम आमना के लाल को मिला है, जो हिदायत का चराग है, सारी दुनिया जिसकी गुलाम है, जुबान पर बोलता खुदा है, आमना का लाल है, रिसालत और नबूवत जिसकी आम है, शहर जिसका दारुस्सलाम है, नबूवत का आफ्ताब और महताब है, अल्लाह का इंतखाब है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का इंतखाब है, ये मकाम मेरे आका को अल्लाह ने अता किया है, खत्म नबूवत जिसकी दस्तार है, उम्मत का गमखार है, महबूब रब गफ्फार है, सफर जिसका मेराज है। ये मकाम अल्लाह ने आमना के लाल को अता किया है, जिसकी दुआ की बरकत से उम्मत का बेड़ा पार है, और जिसकी ज्यारत खात्मा बिल ईमान है। तेरे सर के सिवा सजता भी कहां, लौलाक लमा का ताज भला, तेरे सर के सिवा सजता भी कहां, लौलाक लमा का ताज भला,
तस्तो ताज नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजुर रहमान साहब अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला दिल पे लिखो, फरमाया जो खत्मे नबूवत के लिए काम करेगा मैं उसकी जन्नत की जमानत खुद दे देता हूँ। और पीर मेर अली शाह साहब हाफिज़ दीन साहब, पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है जो खत्मे नबूवत पर काम करता है उसकी पुश्त पर रसूलुल्लाह का हाथ होता है। तो जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे वो रसूल नहीं, वो फजूल है। वो रसूल नहीं, वो फजूल है। वो नबी नहीं, वो गबी है। वो जिल्ली नहीं है, वो शेख चिल्ली है। वो बरूजी नहीं है, वो मूजी है। ऐसा आदमी ऐलान करता है ना उसको अकल है, ना शक्ल है, ना रंग है, ना ढंग है, सारी दुनिया तंग है। सुभान अल्लाह। और मेरा महबूब अल्लाह ने ऐसा बनाया, उसको बनाते हो खत्मे नबूवत का गद्दार, मुल्क और मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता, कहो बेशक। खत्मे नबूवत का गद्दार, मुल्क और मिल्लत का वफादार नहीं हो सकता। लोग हमें ताना देते हैं सैयद अजीज रहमान शाह साहब, लोग कहते हैं कि तुम ठेकेदार हो। मैं मुफ्ती फैजुर रहमान की मौजूदगी में कहता हूँ हम ठेकेदार नहीं है, हम हुजूर के चौकीदार हैं। चौकीदार है बुलंद आवाज से बोले मौलाना माजिद साहब, आप गणसू से तशरीफ लाए, जरा ऊंची बोले सुभान अल्लाह। हम ठेकेदार नहीं है, हम चौकीदार हैं। मैं लगा हूं एक जुमला कहने, जाया ना करना। हम चौकीदार हैं। चौकीदार का काम है खड़े रहना, पहरा देना। पहरा देते हुए जो तकलीफें आएंगी, जो परेशानियां आएंगी, इंशाल्लाह वो हम वो सारी परेशानियां झेल सकते हैं। फिर मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, हम बाजार मुस्तफा में बिक चुके हैं। नहीं समझ रहे हैं। हम बाजार मुस्तफा में बिक चुके हैं। अकीदा खत्मे नबूवत बयान करते करते हम कब्रों में उतर जाएंगे, हमारी औलादें भी इंशाअल्लाह खत्मे नबूवत का परचम बुलंद करती हुई नजर आएंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। करवटें दुनिया की। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। दाइदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। करवटें दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चिरागों को बुझा सकती नहीं। मैं फिर एक जुमला कहता हूँ हाफिज अदील साहब की मौजूदगी में, सारी दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाए प्रोफेसर साहब, सारी दुनिया का अमन खतरे में पड़ जाए, इसके बावजूद भी मेरे आका की खत्मे नबूवत का झंडा लहराता हुआ नजर आए। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अकीदा बनाओ, हुजूर आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी और रसूल नहीं है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, कोई जिल्ली कोई बुरूजी जो है वो नबी नहीं हो सकता। इसलिए कि खुदा हमारी मुश्किल कुशाई के लिए काफी है, मोहम्मद हमारी रहनुमाई के लिए काफी है। सुभान अल्लाह। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।